नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 22 अक्टूबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट ने 39 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। 10,000 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन हुआ शुरू। आज से शुरू हुई T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की जंग। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना हाईकोर्ट ने 39 रिक्तियों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसलेटर के कुल मिलाकर 39 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर सेक्शन की योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्यौहार। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से शुरू हो रही है, जो कि 23 अक्टूबर 2022 त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। ऐसे में दोनों दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आप खरीदी का काम अन्य शुभ कार्य 23 को भी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को सायंकाल यानी शाम में यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान भी किया जाएगा। गौरतलब है कि धनतेरस का त्यौहार दीपावली की शुरुआत माना जाता है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी का पूजा किया जाता है। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, संपन्नता आती है और माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे छवि पांडे की। छवि पांडे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिन्हें लाइफ ओके के एक बूंद इश्क में, तारा, स्टार भारत की रहस्य थ्रिलर काल भैरव, रहस्य में नम्रता सिंह और सोनी टीवी के लेडीज स्पेशल टू में प्रार्थना कश्यप की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। पांडे ने कथक, भारतीय क्लासिक नृत्य सीखा है और एक पेशेवर गायक भी हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा है। छवि पांडे पहली बार 2008 में कलर्स टीवी पर इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 में दिखाई दी और सेमीफाइनलिस्ट के रूप में यह सीजन समाप्त की। इसके बाद उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ भोजपुरी फिल्म विदेशिया की। छवि का जन्म 18 जुलाई 1986 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बिहार से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में होगी एस्कॉर्ट की सुविधा। बिहार से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में अब एस्कॉर्ट की व्यवस्था होगी। साथ ही स्टेशन पर नज़र रखने के लिए हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल होगा। एस्कॉर्ट यानी कि GRP और RPF संयुक्त रूप से रेल यात्रियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह सुविधा बिहार के गुजरने वाली सभी ट्रेनों में होगी। हाल ही में दुरंतो एक्सप्रेस में हुई लूटपाट की घटना के बाद यह ठोस कदम उठाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं इसके लिए FRC कैमरे स्टेशन पर लगाए जाएंगे। इधर रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ADG रेल निर्मल कुमार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नौलखा मंदिर इस वजह से है बेहद खास। नौलखा मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु के 4 विग्रह हैं, स्नान मूर्ति, भोग मूर्ति, भ्रमण मूर्ति, शयन मूर्ति। यहाँ दिन में 2 बार भगवान मंदिर से बाहर निकलते पालकी में भगवान मंदिर का भ्रमण करते हैं। इसी वजह से मंदिर को दिव्य देश कहा जाता है। भगवान को यहाँ पोंगल का भोग लगाया जाता है। मुख्य द्वार पर सोने के आवरण चढ़े कलश लगे थे, जिसे चोरों ने चुरा लिया। कलश दोबारा लगाए गए हैं, जिसे अब ढक दिया गया है। यहाँ लगा गरुण ध्वज भी स्वर्ण पत्र जड़ित है। मंदिर में शीश महल है, जिसे राजस्थान के कलाकारों ने तैयार किया है। यह छोटा है, लेकिन इसके आकर्षण का कोई जवाब नहीं है। भगवान राम एवं कृष्ण के जीवन काल की झलक यहाँ मौजूद है और यह मंदिर बक्सर जिला में मौजूद है। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक और झटका दिया है। हाईकोर्ट ने बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में मार्च 2021 में राज्य सरकार के द्वारा किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है।
दरअसल इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को बीते 13 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर बीते दिन चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा और अन्य की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि नगर निगम के सी और डी श्रेणी की नियुक्ति का अधिकार पूर्ववत निगम के अधिकार क्षेत्र में होगा। शक्ति प्राप्त स्टैंडिंग कमेटी एक स्वतंत्र निर्वाचित संस्था है, उसे राज्य सरकार या कोई अन्य संस्था उनका निरीक्षण नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद नगर निकाय संवैधानिक हैसियत रखती है। सीएम ने बक्सर बेगूसराय मेडिकल कॉलेज का किया शिलान्यास। बीते दिन पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिजिटल हेल्थ योजना सहित कुल 24 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही बक्सर और बेगूसराय मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। बता दें कि बक्सर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। इसके साथ ही चयनित 9469 स्वास्थ्य कर्मियों को मुख्यमंत्री ने बीते दिन नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बक्सर समाहरणालय से जुड़े थे। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। नगर निगम के जेई पर निगरानी और अन्वेषण विभाग का छापा। लिटिल प्लेनेट स्कूल के मालिक और पूर्णिया नगर निगम में जेई शिवशंकर प्रसाद के सहरसा सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बीते दिन सुबह 8:30 बजे निगरानी एवं अन्वेषण विभाग की टीम ने सदर पुलिस के साथ छापेमारी करने पहुंची, जो कि दोपहर 2:30 बजे तक चलती रही। करीब 6 घंटे तक छापेमारी चली। इस दौरान जेई के ठिकानों से 10 कीमती जमीन के कागजात बरामद हुए। जेई की पत्नी के नाम से 2 बैंक खाता भी और एक नया बाजार स्थित मकान के भाड़ा का डिड मिला। इसके साथ ही कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब मिले जमीन के कागजात का मूल्यांकन किया जाएगा, उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। शारदा सिन्हा का छठ के बरतिया रिलीज। अपने लोक गीतों से सबके दिलों पर राज करने वाली शारदा सिन्हा का एक और गीत रिलीज हो गया है। बिहार में छठ पर्व को लेकर सभी उत्साहित हैं। इस दौरान छठ पर्व लोक गायिका शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा सा लगता है। इस बीच शारदा सिन्हा का नया छठ गीत YouTube पर रिलीज हो गया है, जिसका बोल छठ के बरतिया है। ये गीत रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस छठ गीत को बहुत शानदार फिल्माया गया है। इसमें एक युवक बाहर से छठ के लिए घर आता है, लेकिन माँ के बीमार होने की वजह से वो नहीं कर पा रही है। फिर युवक ही छठ करता है। लोगों को ये वीडियो काफी भा रहा है। दिवाली के बाद प्रदेश में बढ़ेगी सिहरन। बिहार में तेजी से मौसम बदल रहा है। धीरे धीरे सुबह और देर रात के तापमान में बदलाव हो रहा है। सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। लगातार बदलते मौसम में सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्रदेश में अगले 3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। राज्य भर में उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव है। अभी इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके प्रभाव से राज्य भर में तापमान नियंत्रित रह रहा है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव और बढ़ेगा। दिवाली के बाद राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी। मैट्रिक इंटर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम सूचना है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब परीक्षार्थी आगामी 28 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2023 के फरवरी महीने में होने की उम्मीद है। मालूम हो कि बोर्ड द्वारा इससे पहले 20 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आप विलंब शुल्क के साथ 28 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। 10,000 सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुरू। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे DLRS गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कानूनगो क्लर्क और अमीन के कुल मिलाकर 10,101 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते दिन 21 अक्टूबर से शुरू कर दी है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को दिखेगा समृद्ध बिहार। इस बार पटना के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं को समृद्ध बिहार की झांकी दिखेगी। इसकी तैयारी पटना नगर निगम जोर शोर से कर रही है। पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन गंगा घाट का निरीक्षण कर घाटों को समतल करने, संपर्क पथ निर्माण एवं सफाई व्यवस्था को पूर्ण किया जा रहा है। इसके साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गंगा घाट एवं संपर्क पथ पर 3D पेंटिंग के माध्यम से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। कई घाटों पर एक साथ
साथ काम चल रहा है। छठ को देखते हुए घाटों के दीवारों पर मिथिला पेंटिंग से छठ के बेस पर पेंटिंग बनाई जा रही है। इस तरह के पेंटिंग से घाटों की खूबसूरती बढ़ जाएगी। कलाकार सुबह से शाम तक लगकर इस काम को पूरा कर रहे हैं। इन स्कूलों के 39 प्रिंसिपलों पर बड़ी कार्रवाई। पटना जिले के 39 प्रिंसिपलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया जाएगा। दरअसल योजना राशि की रिपोर्ट नहीं देने के कारण इन प्राचार्यों पर यह कार्रवाई की गई है। इसके लिए सभी प्रिंसिपल को इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी भेजा गया है। इनमें बाढ़, मनेर, भेटा, बिक्रम और संपत चौक प्रखंड के स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों के प्राचार्य को योजना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना था, लेकिन ये सभी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद पटना जिला शिक्षा कार्यालय ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि इन स्कूल के द्वारा मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के सत्र 2017-18 और 18-19 के तहत सभी स्कूलों को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है। त्योहारों को लेकर बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, जिलों में भेजे जाएंगे अतिरिक्त बल। त्योहार का मौसम आ चुका है। त्योहारों को लेकर बढ़ रहे चहल पहल को देखते हुए जिलों में बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी। संभावित दंगा फसाद को देखते हुए दिवाली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था के मद्देनजर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के साथ दंगा निरोधी बल की 30 कंपनियों को प्रतिनियुक्त करने का आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है। इसके अलावा ट्रेनी डीएसपी और दारोगा भी इस दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए फील्ड में प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके लिए बीते दिन एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इससे जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। खेसारी लाल यादव ने की जनता से भावुक अपील। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जनता से अपील की है कि उनकी वीडियो गलत तरीके से वायरल ना करें। दरअसल खेसारी लाल यादव का मंदिर के गेट पर जूता पहनकर शूट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो पर खेसारी लाल यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है, यह सही नहीं है। भगवान और आस्था से मैं कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। खेसारी लाल यादव ने कहा कि जो लोग आज गलत तरीके से वीडियो को वायरल कर रहे हैं, उन भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप वीडियो को इस तरह ना फैलाएं। पीके के दावे पर बोले सीएम नीतीश, एक समय था जब मैं उनका सम्मान करता था। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर अपने जनसुराज यात्रा पर हैं। इस दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं और साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर द्वारा किए गए उस दावे पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया है, जिसमें प्रशांत किशोर ने बुधवार को कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। पीके के इस बयान से सियासत भी चरम पर है। इस पर बीते दिन नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि उनके बारे में कुछ मत पूछिए, एक समय था जब मैं उनका सम्मान करता था। बीजेपी का दावा, गोपालगंज राजद प्रत्याशी ने हलफनामे में छिपाई दर्ज केस की जानकारी। राजद प्रत्याशी को लेकर भाजपा बड़ा दावा कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि झारखंड के गिरिडीह में दो गाड़ियां पकड़े जाने के बाद सिल्वर हेरिटेज स्प्रिट लिमिटेड में की गई कार्रवाई में राजद प्रत्याशी मोहन गुप्ता के पार्टनरशिप होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब बीजेपी नेताओं ने कहा कि वे लोग चुनाव आयोग जाकर राजद प्रत्याशी के नामांकन रद्द कराने की मांग करेंगे। बीते दिन भाजपा के कई नेता संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत कई नेता गोपालगंज के स्थानीय होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। तेजस्वी का केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार, बिहार मॉडल देश अपना रहा है। बीते दिन ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार की नौकरी मॉडल को अब देश स्तर पर अपनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले भी कह रहे थे कि बिहार मॉडल नौकरी देने वाला मॉडल है, महागठबंधन का यह मॉडल देश अपनाने का काम करेगा। महागठबंधन की सरकार बनते ही नियुक्ति पत्र बांटने लगे। सुना है कि प्रधानमंत्री भी 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बिहार का मॉडल देश अपना रहा है। बिहार के लोगों ने जो करके दिखाया, आज बड़े से बड़े लोगों को यह मानना पड़ रहा है। अब नीतीश के गढ़ नालंदा में गरजेंगे शाह। बिहार में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा नेता सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। हाल ही में वो जेपी की जयंती पर उनके गांव सिताब दियारा पहुंचे। इससे पहले रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर वो बिहार आए थे और एक बार फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह इस बार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि करते हुए पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। नालंदा पहुंचे डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि बिहार के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है, इसी के तहत भोजपुर, पूर्णिया और छपरा में कार्यक्रम हुआ है। इस तरह का कार्यक्रम नालंदा में दिसंबर में आयोजित किया जाएगा।
आज से शुरू हुआ T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने की जंग। आज से T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले दौर के मुकाबले बीते दिन खत्म हो गए और अब इस वर्ल्ड कप के लिए सुपर 12 में शामिल होने वाले ग्रुप ए में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और आयरलैंड है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, भारत, नीदरलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल है। बीते दिन आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराकर सुपर 12 में जगह बनाई, वहीं स्कॉटलैंड को हराकर जिम्बाब्वे ने सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं आज से सुपर 12 राउंड शुरू है, जिसका पहला मुकाबला आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है, जो कि दोपहर 12:30 बजे से होगा। इसके बाद आज ही दूसरा मुकाबला शाम 4:30 बजे से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को 1962 में समर्पित की गई। भारत ने 2016 में कबड्डी विश्व कप जीता। हिंदू धार्मिक नेता स्वामी रामतीर्थ का जन्म 1873 में हुआ, जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात थे। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाकउल्लाह खां का जन्म 1900 में हुआ। सामुदायिक नेतृत्व त्रिभुवनदास कृषि भाई पटेल का जन्म 1903 में हुआ। प्रसिद्ध हिंदू और उर्दू फिल्म अभिनेता कादर खान का जन्म 1937 में हुआ। मेवाड़ महाराणा राजजी का निधन 1680 में हुआ। पेशवा माधव राव द्वितीय ने 1796 को आत्महत्या की। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह का सबसे छोटा पुत्र दलीप सिंह का निधन 1893 में हुआ। सरदार पटेल के बड़े भाई एवं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विठल भाई पटेल का निधन 1933 में हुआ। छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का निधन 1954 में हुआ। बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक जीवनानंद दास का निधन 1954 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी चक्रवाती तूफान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइक्लोन के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि ओडिशा में संभावित साइक्लोन के लैंडफॉल पर मीडिया रिपोर्ट गलत है। अभी तक मौसम विभाग ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि मौसम विभाग ने बीते दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उत्तरी अंडमान सागर और आसमान के क्षेत्रों के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में और इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। ऐसे बचाएं अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट और कैमरे के ज़्यादा इस्तेमाल से इसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसे फॉलो कर आप अपने फ़ोन को बार बार चार्ज करने से बच सकते हैं। फ़ोन की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को ऑटो पर सेट कर दें। इससे फ़ोन ज़रूरत के हिसाब से डिस्प्ले को 60Hz या 90Hz पर सेट कर देगा। फ़ोन को ऑटो ब्राइटनेस मोड पर रखें या ब्राइटनेस 50% से भी कम रखें। फ़ोन की बैटरी को सेव करने के लिए आप फ़ोन में अनावश्यक नोटिफिकेशन को बंद कर दें। ज़रूरत ना हो तो GPS लोकेशन और ब्लूटूथ को ऑफ रखें। अपने फ़ोन के ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर अपडेट करते रहें। फ़ोन को केवल फ़ोन के ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें। रेलवे पटरी पर आए लोहे का भारी भरकम गाटर हादसा होने से टला। बीते दिन एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया है। दरअसल मोतिहारी मुजफ्फरपुर रेलखंड पर रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक भारी भरकम गाटर रखा हुआ मिला। इसी दौरान उसी ट्रैक पर सुपरफास्ट सप्तक्रांति एक्सप्रेस की पहुंच गई और इंजन के साथ उस गाटर को अपने साथ घसीटते हुए लगभग 200 मीटर तक ले गई। पता चलने के तुरंत बाद रेल ड्राइवर ने आनन फानन में गाड़ी रोका, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वहीं इस घटना के मौके पर बड़ी संख्या में ट्रेन के और दूसरे लोग भी पहुंच गए, जिसके बाद अब ट्रेन के इंजन में फंसे लोहे के गाटर को निकालने का काम शुरू किया गया। इस घटना के बारे में बताया गया कि रेलखंड पर दोहरीकरण का काम चल रहा है, जिसमें काम कर रहे कंपनी के ठेकेदारों ने लापरवाही दिखाते हुए रेल पटरी का एक गाटर मुख्य लाइन के पास छोड़ दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सौरभ कुमार, भूपेंद्र कुमार, राजीव कुमार, शिव शक्ति, विकास कुमार, पवन कुमार पंडित, मनोज कुमार, कविता कुमारी, सुभाष कुमार, कुलदीप कुमार, मंगीता भारती, अशोक कुमार और सोनू शाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार इस बार कौन सी टीम T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।